गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट टाइम फाइनल अकाउंट जो है पार्टनरशिप का, उसके बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन प्रिपेयर करने वाले हैं, उसका मेन पर्पज है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना। इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। In the credit side of account, all the direct income of the firm are recorded. Trading account में direct expenses और direct income अपने को record करना है। Direct expenses debit side में अपने को record करना है और direct income अपने को credit side में record करना है। If the trading account credit side is more than debit side, then account show the gross profit and vice versa. देखो, trading account की अगर debit side बड़ी है और credit side क्या है छोटी है, तो अपने को gross loss होने वाला है। Otherwise, credit side बड़ी है और debit side क्या है छोटी है, तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट क्या होने वाला है, मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट, द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आने वाला है, ये अपने को ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ओके, अब नीचे ट्रेडिंग अकाउंट क्या फॉर्मेट है, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में मेनली कौन कौन से हेड आने वाली है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड है। जैसे कि अपन ने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री के बारे में जो भी एक्सपेंसेस है, ये अपने को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। वैसे क्रेडिट साइड में जो डायरेक्ट इनकम है, वो अपने को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अभी कौन कौन से हेड रिकॉर्ड करने वाले ट्रेडिंग अकाउंट में, ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट परचेस, परचेस में से अपने को परचेस रिटर्न क्या करना है, लेस करना है, तब जाके परचेस की एक्चुअल अमाउंट अपने को मिलने वाली है, वो आउटर में लिखना है। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, नेक्स्ट फ्राइट, कस्टम ड्यूटी, वेजेस प्रोडक्टिव, वेजेस एंड सैलरी, इम्पोर्ट ड्यूटी, मोटिव पावर मीन्स कोल गैस वाटर, रॉयल्टी, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस टू फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी। कम से कम इतने हेड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपने को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ये हो गया अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय सेल, सेल में से सेल रिटर्न अपने को क्या करना है, लेस करना है, तब जाके अपने को एक्चुअल नेट सेल मिलने वाला है। नेक्स्ट गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थीफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बाय गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉल बाय परचेस और क्लोजिंग स्टॉक्स। मीन्स जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जो भी गुड्स है वो बाहर जा रहा है, बरोबर है, उसके काफ़ी भी रीजन है, सेल है, फ्री सैंपल है, विड्रॉल है, और वो ट्रांजैक्शन अपने को क्रेडिट साइड में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट
In the case of combined term of wages and salary, the following treatment should be given. A number, when the items wages and salary is given in which wages are the first, it should be the transfer to the trading account debit side. अब देखो कि wages और salary, first अगर wages आया होगा तो अपने को trading account के debit side में record करना है. इसके opposite अगर सैलरी एंड वेजेस होता है तो फर्स्ट सैलरी है इसलिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाला है. ये ध्यान में रखना है सैलरी और वेजेस, और वेजेस और सैलरी के बारे में जो फर्स्ट वर्ड है उसके ऊपर डिपेंड है वो ट्रांजेक्शन अपने को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वेजेस एंड सैलरी है तो ये अपने को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सैलरी और वेजेस हैं ये अपने को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. ये हो गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड जो अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द मेन अकाउंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. इट प्रिपेयर to ascertain the net profit or net loss suffered by the business during the accounting year. देखो profit और loss account जब अपन prepare करने वाले हैं तब अपने को business में कितना net profit और net loss है ये find out करने के लिए अपने को profit और loss account क्या करना है, prepare करना. All direct expenses are to be recorded to the debit side, whereas all the indirect income are to be the recorded to the credit side of this account. We profit or loss account में indirect expenses और indirect income के head क्या करना है, अपने को record करना है. Indirect expenses profit or loss account के debit side में record करना है और indirect income प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करना है, अपने को रिकॉर्ड करना है. द क्रेडिट बैलेंस ऑन द अकाउंट शो द नेट प्रॉफिट व्हिच इज टू बी द ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और एडेड इन द कैपिटल. द डेबिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट शो द नेट लॉस व्हिच इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. अब देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नेट लॉस और नेट प्रॉफिट अपने को फाइंड आउट करने वाले हैं. ये अपने को जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें अपने को नेट प्रॉफिट ऐड करना है और नेट लॉस होगा तो कैपिटल में से क्या करना है, अपने को डिडक्ट करना है, लेस करना है. और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो बैलेंस शीट अपन प्रिपेयर करने वाले उसमें कैपिटल में अपने को ऐड और लेस करना है. नेट प्रॉफिट होगा तो अपने को ऐड करना है और नेट लॉस होगा तो क्या करना है, माइनस करना है, डिडक्ट करना है. नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन अपन रिकॉर्ड करने वाले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, ये फॉर्मेट में अपने को मेंशन किया हुआ है. प्रोफार्मा ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट. जैसे कि अपन ने ऊपर देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने वाले. अभी कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये अभी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं. टू सैलरी एंड वेजेस, टू रेंट रेट, टू इंश्योरेंस, टू इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग, टू टेलीफोन postage, to printing and stationery, to traveling expenses of salesman, to depreciation on asset, loading charges, to audit fee, to interest on loan, to loss by fire, loss by theft, loss in accident, to goods distributed as a free sample, to commission, to discount allowed, to allowances, to advertisement, to carriage outward, to sales charges,
टू बैड डेब्ट, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस। इतने हेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाले हैं, मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल ऑफिस के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है ये अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, सेल के बारे में जो भी एक्सपेंसेस है ये भी अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले। नेक्स्ट क्रेडिट साइड, इनकम साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जो भी अपने को इनकम रिसीव्ड होने वाला है ये अपने को क्या पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। गुड्स का इनकम छोड़ के अदर इनकम जो भी अपने को मिलने वाला है ये अपने को यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन रिसीव्ड, ओके। और जो नेट प्रॉफिट और नेट क्या निकलने वाला है, लॉस निकलने वाला है, ये अपने को कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है, नेट लॉस होगा तो क्या करना है, लेस करना है, ओके। नेक्स्ट बैलेंस शीट, थर्ड स्टेटमेंट अपने को प्रिपेयर करना है वो है बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म अ पर्टिकुलर डे। देखो बैलेंस शीट में अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो शो होने वाली। ऑल द लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, वेयर एज ऑल द असेट आर रिकॉर्डेड टू इट्स द राइट हैंड साइड। फिर बैलेंस शीट में अपन लाइबिलिटी और असेट लेने वाले हैं। लाइबिलिटी लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं और असेट राइट साइड में क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले। द बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट बट द स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ फर्म। बैलेंस शीट ये अपना अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एज ऑन गिवन डेट इन द फॉर्म ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज। अब बैलेंस शीट का जो भी प्रोफार्मा है उसमें लाइबिलिटी और असेट कौन कौन से असेट और कौन कौन सी लाइबिलिटी अपने को रिकॉर्ड करना है मेनली ये पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट, नेक्स्ट जनरल रिजर्व, नेक्स्ट लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो अपने को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट असेट साइड में जो भी फिक्स असेट है और करंट असेट है ये अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें से डिप्रेशिएशन लेस करना है। प्लांट मशीनरी, उसमें से अपने को डिप्रेशिएशन लेस करना है। फर्नीचर, उसमें से डिप्रेशिएशन क्या करना है, लेस करना है। मोटर वैन, उसमें से अपने को डिप्रेशिएशन लेस करना है। मीन्स जो भी फिक्स असेट है और फिक्स असेट के ऊपर अगर अपन ने डिप्रेशिएशन चार्ज किया तो अपने को क्या करना है, लेस करके अमाउंट जो निकलने वाली है वो आउटर कॉलम में लिखना है, ओके। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, ओके, ये अपने को असेट साइड में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी और असेट दोनों साइड की टोटल कैसे आने वाली है, सेम आने वाली है। कैसे आने वाली है, सेम आने वाली है। हो गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट पीरियड में अपन देखने वाले हैं एडजस्टमेंट।